बढ़िया आवे, पर अब आवे शोक भी और आवे भी, पर यो समझ में को नहीं आ रहे हो कि भाई अन्ने दूसरा तक कहीं पहुंचावा, खत्म हो जाएगा क्यों भाई, घर में कोई गावे को नहीं तो भाई खत्म हो जाओगा। तो कई बार यहाँ हंसी मजाक में कह देता, नहीं माँ खत्म को नहीं होवे, मैं चला लेंगा अन्ने, मैं अन्ना भी चला लेंगा। बोले भाई तेरो चैनल बना दो, अब मैंने पता ही को नहीं कि भाई चैनल होवे के है विदेशा तक उन्हें पहुंचा सका। हाँ भाई, अगर आप घर के अंदर चार दीवारी के अंदर भी कोई अपना हुनर विदेशा तक पहुंचा सका तो शायद मन यहाँ लगे कि भाई इमें कोई गलत बात को नहीं, मतलब बहु बेटियां ना आगे बढ़ने से रोक रहा है। ओरा की तू चोनड़ी लल घर का आगे पाछे ल्याए रे, पितराणी जी की चोनड़ी सर नाटे ल्याए रे, आया पावेणा। तो राम राम जी, मैं केसरा इसके संदेश चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है, और चैनल पर तेने हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पास में घंटी को बटन अभी नहीं दबा दीजिए ताकि नई वीडियो हो तो भी को नोटिफिकेशन सबसे पहले थाने मिले। और आज आप जो चिड़ावा तहसील है अभी का अंदर ही आए हाँ जटे सारी का मिश्रा से मिलसियाँ, और यही जगह यूट्यूब के ऊपर बहुत ही जी मतलब प्यारी आवाज़ के अंदर गीत गाया करे हैं, और फेस टू फेस से शायद कौंदे क्या होगा ध्यान है आज फर्स्ट बार देख रहे हो, और जे यूट्यूब पर क्या आया और या यूट्यूब पर आप पीछे के कारण हो जाए पढ़ाई करना बड़ा सा लाग रहे हैं देख बाग अंदर, तो भाई छोटा सा ही तो पढ़ाई भी कर सका हा और जॉब की तैयारी करके लाग भी सका हा, लेकिन आपको कहीं रीजन हो कि यूट्यूब पर आया कहीं कारण ही हो। बातचीत सरिका जी से बातचीत कर सियाँ तो पता चाल सी। तो सरिका जी राम राम जी। राम राम जी केसर जी, सबसे पहले राम राम, और इसके संदेश के सभी दर्शकों ने भी राम राम जी। सरिका जी मैं थाने देखो ना लगे हुए थे हाल तैयारी भी कर सका हा पढ़ाई कर सका हा अभी पहली ही थे गीता का मायने तो इंटरेस्ट के ले लियो। भाई मैं पढ़ाई भी करी है, मैं बीएड पीरामल कॉलेज बगड़ से बीएड कंप्लीट करी, उसके बाद में मैं आपकी एमकॉम कंप्लीट करी, और कंप्लीट एमकॉम कंप्लीट करने के बाद में ही मैं तैयारी करनी भी शुरू करी सरकारी नौकरी की। पर सरकारी नौकरी की तैयारी करने के समय ही कुछ समय बाद ही जो कोरोना आ गो, और कोरोना आने के बाद में जो जठे थे वो उठे ही रहो, मतलब कोई पेपर को नहीं होया, मतलब 4 से 6 महीना तक कोई एग्ज़ाम को नहीं होया, और शायद राजस्थान में तो मेरे हिसाब से अभी भी लाइन पर गाड़ी को नहीं आई कि भाई पेपर समय पर हो रहा है। तो ई वजह से वो टाइम सब बंद हो चुके हो, और मतलब टाइम भी यहाँ हो रहा था कि भाई केवरों के हुआ गो, इतनी बड़ी बीमारी आ गई थी सब जड़े था उठे ही रहेगा था। और मैंने शुरू से ही शौक तो यहाँ कौन था कि भाई मैं भी नए हो, मतलब घर में भी सुनेड़ा और मारे मतलब बड़ा दादी था बुढ़ा जो दादी था तो उनसे भी उनने भी खूब आता, तो मैं कदे छुट्टियां में आता तो उनका सुनता तो बहुत बढ़िया लगता। तो एक चाव सो था कि भाई आपा भी करा कोई प्रोग्राम हो तो मैं सुनता तो बहुत अच्छा लगता कि भाई हाँ ये गीत बहुत बढ़िया आवे, पर अब आवे शोक भी और आवे भी, पर यो समझ में को नहीं आ रहे हो कि भाई अन्ने दूसरा तक कहीं पहुंचावा। माँ भी है बुढ़ा माँ बे था दादी तो बे सो कहता कि भाई मेरे जाने के बाद में ये गीत शायद खत्म हो जाएगा, क्यों भाई घर में कोई गावे को नहीं तो भाई खत्म हो जाओगा। तो कई बार यहाँ हंसी मजाक में कह देता, नहीं माँ खत्म को नहीं होवे, मैं चला लेंगा अन्ने, मैं अन्ना भी चला लेंगा। पर अब आवे भी और उनका लिखेड़ा भी बहुत सारा बे था, तो भाई जिस चीज़ को शौक हो उन्हें आप गुनगुनाता ही रहा। तो बस सब चीज़ बंद होने के बाद में मैं घर में ही या सुबह शाम कुछ ना कुछ गाती रहती। तो एक दिन भैया बोलो, बोले भाई तेरो चैनल बना दो, अब मैंने पता ही को नहीं कि भाई चैनल होवे के है। वो बोल दियो मैं कोई किसी मेरे से मजाक करे कि सो चैनल मेरा बनाओगे, इससे पहले कोई इंटरेस्ट को नहीं था। नहीं इंटरेस्ट तो आया गया तो बहुत हो थो कि पर मैंने यो कौन पता था कि भाई यूट्यूब पे भी आया डाल सके है। तो वो बोले तेरा चैनल बना दूँ, तू गावे तो है, मैं तेरा थोड़ा सपोर्ट कर दूंगा, मैं डाल दूंगा। पर मैंने यो कौन पता कि भाई चैनल क्यों हुआ है। तो वो आया हंसी हंसी में वो मैं चैनल बना दिया, बोले तू रिकॉर्ड कर मैं तेरो यूट्यूब पर डालो। अब वो चैनल बना दियो और मेरा रिकॉर्ड करके वो डाल दियो। दूसरी तीसरी ही मतलब वीडियो लोड हुई ऊपर अच्छो, मतलब रिस्पांस आयो, मतलब अच्छा व्यू ले लिया और बढ़िया बढ़िया उमें कमेंट आवा लगा। अब यो जब मैंने यूट्यूब ही कौन मेरा तो मैंने कमेंट को के पता भाई क्या हुआ है। तो वो थोड़ा दिन मैंने समझायो, मैंने सिखायो और कुछ मैं भी सर्च करियो कि भाई खाली तो था ही कोई, कुछ हो तो रहो ही कौन थो, कोई कोरोना को टाइम थो भाई कहाँ अपनो टाइम कटे हो, परेशानी को टाइम थो भाई इतनी बड़ी महामारी आ गई थी। तो वो मैंने सर्च भी करियो
तो मैंने पता लग गया कि भाई यूट्यूब एक अहिया को प्लेटफॉर्म है कि भाई आप कोई भी ओनर हो उन्हें सिर्फ आपने राजस्थान में ही नहीं, सिर्फ आपने भारत में ही नहीं, आप विदेशों तक उन्हें पहुंचा सका। हाँ भाई, अगर आप घर के अंदर चार दीवारी के अंदर भी कोई अपना ओनर विदेशों तक पहुंचा सका तो शायद मन यहाँ लगे कि भाई इमें कोई गलत बात को नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं भी मेरा चैनल बना वो मेरे चैनल भाइयों बना दियो और धीरे धीरे मैंने सब चीज़ मैंने वो सिखा दी कि भाई हाँ, तो मैं मतलब कुछ दिन बिना फेस कैम से ही मैं वीडियो बनाई, मैंने वो कुछ दिन तो भाइयों ही बनाया, फिर मैंने धीरे धीरे एडिटिंग करनी और मैं जो भी कुछ ऐड करना है, कुछ आपने फोटो में डालनी है, तो वो सब चीज़ मैंने धीरे धीरे सिखा दी। पर फिर मैंने सब कुछ पता लागो तो मैं फिर जहाँ मेरे व्यूअर्स की रिक्वायरमेंट आई कि भाई थे फोटो का सामने, पर मेरे का इंस्ट्रूमेंट कौन था तो मैं छोटी सी एक फ़ोटो लगाओ लगी। फिर तो अब फोटो लगाने के बाद में भाई थोड़ा रिस्पांस और अच्छा आव लागो, तो धीरे धीरे मैंने मतलब अच्छा कमेंट्स मिलने लगा। मैंने पता लागो कि भाई पसंद आवे तो भाई अच्छा कमेंट करे, लाइक करे, तो उसे मैंने पता लागो। तो मैं तो भाई यो कि भाई आप अपनी घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रह के भी आप कोई भी हुनर है, मैं यानी कि भाई कोई गीत कहानी अणमई जो भी आपने अच्छो काम आवे, या उरत है कि अगर आपने पढ़ना ही अच्छो लागे तो आप पढ़ने को भी चैनल बना सका। मैं मेरो एक चैनल बनायो, वो मेरे भैया बनायो राजेश नवामे को, तो वो मेरा खूब सपोर्ट करो और मैं एक चैनल से मोटिवेट होके एक दूसरा चैनल और बना लियो कथा कहानी को। वो मेरा जो पहलो चैनल था वो नाम था मन राखियो और दूसरा जो चैनल बनाया मैं कथा कहानी को, क्योंकि आपने मारवाड़ी में इतना रीति रिवाज आवे शायद मन यहाँ लग गए कि कोई दिन खाली कौन जावे। बिल्कुल। और हर एक त्यौहार की एक ही कहानी नहीं, पता को नहीं कितनी कहानियाँ रहे। आप तो बस कि एक ठीक है सुन ली और आपने उठे ही खत्म हो गो, पर मैंने जैसे मैं चीजा में वो करे तो मैंने बहुत यहाँ की नॉलेज होगी कि भाई एक त्यौहार की कम से कम 5-10 कहानियां तो होती होगी, जितनी आप ढूंढांगा उतनी कम है। तो मैं दूसरों भी चैनल बना लिया और उनके लिए उनको नाम तो मन राखियो 2, उमें मैं मारवाड़ी की कथा कहानी जितना भी वर्त त्यौहार हो आवे उसे पहली मैं आपके चैनल बना, उनको भी बहुत अच्छो रिस्पॉन्स आयो। मतलब एकदम से तो कोनी कि भाई आज मैं चैनल बनाया हुआ है आज ही, मतलब चैनल एकदम बहुत अच्छो रिस्पॉन्स देगो, पर धीरे धीरे आपनो चैनल अपन बढ़िया रिस्पॉन्स देगो। अच्छा। मैं उसे भी मतलब मैंने मोटिवेशन मिली, मतलब मेरा चैनल बनगा 2, दोनों मतलब मारवाड़ी से रिलेटेड बनया कि भाई एक अपनी संस्कृति से रिलेटेड होगो गीत कहानियाँ गीत और भजना को और दूसरों कथा कहानियाँ को, तो वो मेरा मन राखियो 2। तो पर मैं तैयारी तो कर ही रही थी, इतना मैं थोड़ा माहौल सुधर तो दिखो कि भाई अब आपा ने एक तरफ ध्यान नहीं देखे, अब आपा ने पढ़ाई की तरफ भी देखना चाहिए कि भाई मैं तो मैं डेली 15 क्वेश्चन जीके का तैयार करके एक भाई मोटिवेशन मिलियो, सपोर्ट मिलियो कि भाई हाँ कड़े कुछ गलती होगी तो भाइयों मेरे पूरा सपोर्ट करियो। बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई अहियाँ भी हो सके, भाई कई बार क्या है कि आप डीमोटिवेट भी हो जावा कि भाई अपना व्यूज को नहीं आ रहा या आपा कोई काम करा तो आपने कुछ ना कुछ कमी तो रहे भाई है। तो वो फिर मैं तीसरा चैनल और बनायो, उमें मैं डेली का 15 क्वेश्चन जीके का तैयार करके खुद का मतलब बना के मैं डाला लागी, तो उमें भी मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस आयो। तो आज की दिन मेरा यूट्यूब पे 3 चैनल है और मतलब तीनों अच्छा ग्रो कर रहा है, और मतलब मैं यह कहूँगी भाई अगर कोई भी मैं तो बार बार यही कहूँगी अगर कुछ भी आवे अपन है तो उन्हें आपके अंदर छुपा कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें आगे तक मतलब दूसरा ना आप बताऊँगा जदि पता लागे को। तो यह छोटी सी मेरी एक जर्नी थी यूट्यूब पर आने की, और अब मतलब धीरे धीरे मैंने यूट्यूब फैमिली से सपोर्ट मिलने लागू, तो मेरा यो ये है कि मैं एकदम से तो यहाँ ऊपर पहाड़ पर तो कौन चढ़ जाओ पर सीढ़ी सीढ़ी आप जरूर ऊपर पहुँच जाऊँगा, अना कुछ जानती कौन थी आप यूट्यूब से ही मिले। हाँ, तो मैंने इतनी खुशी हुई कि भाई आप एक अनजान होकर भी यूट्यूब से कि घर की तरह होगा। हाँ, बिल्कुल। और मेरा तो यो मतलब छोटो सो एक सफ़र थो, और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी मतलब मेरी बहन या मेरी माता जी या मेरे से कोई छोटी मेरी छोटी बहना है अगर उनमें कोई भी हुनर है तो आज भी आपने भारत में अहिया का परिवार है कि जो मतलब बहु बेटियां ना आगे बढ़ने से रोक रहा है कि वे आगे नहीं बढ़ जावे, पर उनने अगर थे थोड़ा सा सपोर्ट करोगा उन्हें सुविधाएं दोगा
तो बेटियां मतलब बेटा से पीछे को नहीं है, बेटियां बेटा से आगे ही मिलेगी। क्योंकि आज भी यहाँ का हमारे इतने परिवार है जो बेटियां ने मोबाइल और लैपटॉप रखने के ऊपर प्रतिबंध रखे, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि भाई उनने ज़्यादा महंगा मोबाइल नहीं दिलवा सको, तो बहुत कम जितना आप उनने मतलब एक छोटी सी कीमत को मोबाइल दिलवा के उनके अंदर हर आदमी के अंदर कोई ना कोई हुनर हो है। बिल्कुल, कि भाई अँ को नहीं कि भाई कोई आदमी में कुछ ना कुछ हुनर अवश्य मिलेगा, कोई पढ़ना में इंटेलिजेंट होगो, कोई हाथ के हुनर में होगो, कोई कोई आपके इतनी अच्छी मतलब कहानी कह देगो, चुटकुला कह देगो, मतलब हर कोई अगर वे आगे बढ़ना चाह रही है तो उनने सपोर्ट करो और उन्हें आगे बढ़ने दो। अँ को नहीं कि भाई यूट्यूब एक अँ को छोटो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब बहुत बड़ो प्लेटफॉर्म है। तो जी हाँ, अब फेस टू फेस कब आओगा था चैनल पर? मैं फेस टू फेस मेरी छोटी सी फोटो तो मेरी चैनल पर लाग ही रही है, बाकी मेरे का मैं अब धीरे धीरे मेरा टाइबोर्ड लेकर मैं फेस टू फेस ही वीडियो बनाया करूँगी। अब तो अपन सरिका जी से सुना ला एक प्यारो सो छोटो सो दो लाइन गीत की गीत गाँव है फेस टू फेस का सुने कौन थे आज तक की, तो आज एक सरिका जी से आप गीत सुन लिया। हाँ प्यारो सो गीत सुनाओ। मैं एक राती जो मैं गांड हाली पितरानी जी की चुनरी सुनाऊ हूँ, अगर मतलब पसंद आवे तो मेरे चैनल पर जाके देख लियो, मेरा चैनल है मन राखियो नाम को, और उन्हें सब्सक्राइब कर लियो, थारे जो भी जितना भी लोग हो परिवार में उन्हें शेयर कर दियो। तो मैं सुना रही हूँ। ओरा की तू चुनड़ी लल घर का आगे पाछे ल्याए रे, पितराणी जी की चुनड़ी सर नाटे ल्याए रे, आया पावणा आया पावणा परिंडे माई प्यारा लागे जी, आया पावणा ओरा की तो पातड़ी सोनी का आगे पाछे लाए रे, पितराणी जी की पातड़ी सरनाटे लाए रे, आया पावणा आया पावणा परिंडे माई प्यारा लागे रे, आया पावणा। आज जो सरिका जी गीत सुनाए बहुत ही प्यारी आवाज़ के अंदर, जो पितराणी जी की चुनड़ी बोलना हाँ, और आपको जो मनरा क्यों चैनल है भी पर गीत ही सुनबान मिले है, बटे बहुत प्यारा प्यारा गीत सुनावे हैं। और आज की जो वीडियो सरिका जी के साथ में बनाई हूँ तन कसीक लगी है, कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिए, और मना से मिलके बहुत खुशी हुई है इस चीज़ की कि एक लेडीज है तो अपनी बहना ही सब आगे बढ़ रही हैं, थोड़ी थोड़ी कोशिश कर आगे बढ़ रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो आज की वीडियो थन कसीक लगी कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिए। जय जवान जय किसान।